विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। सबको लखनऊ के प्रसिद्ध शनि मंदिर ले चलता हूं। यह मंदिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ कानपुर मार्ग पर पुरानी चुंगी से पराग रोड पर लगभग 1 किलोमीटर दूर शनि मंदिर चौराहे पर हिंद नगर में स्थित है। यह शनि मंदिर वर्ष 2003 में इंजीनियर लाल मोहन शर्मा, मुख्य अभियंता वायुयान, सेवानिवृत्त नागरिक उड्डयन निदेशालय उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट लखनऊ एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय पार्वती देवी द्वारा भक्तजनों के सहयोग से स्थापित कराया गया। मंदिर की दूर दूर तक प्रतिष्ठा है। यहां प्रत्येक शनिवार को 3 से 4 हजार भक्त दर्शन करने आते हैं। आइए अब हम शनि मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस समय हम मुख्य द्वार पर हैं। भव्य द्वार पर शनि प्रतिमा अंकित है। मंदिर के शिखर पर ध्वज फहरा रहा है। मुख्य द्वार के बाईं ओर पशुओं के पानी पीने के लिए एक छोटी हौदी चरही बनी है तथा दाईं ओर राहगीरों के पानी पीने के लिए हैंडपंप है। मुख्य द्वार पार करते ही बाएं नवग्रह मंदिर है। 9 ग्रहों की मूर्तियों की आप यहां पूजा अर्चना और दर्शन कर सकते हैं। दाहिनी तरफ रेफ्रिजरेटर युक्त ठंडे पानी की टंकी है तथा उसी से सटा हुआ धर्मार्थ होम्योपैथिक चिकित्सालय है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। उसके बगल में पूजन सामग्री भंडार तथा प्रबंधक कार्यालय है। अब हम मुख्य शनि मंदिर की ओर चलते हैं। पेड़ पौधे तथा हरी भरी लताओं से ढके शेड से होते हुए बरामदे को पार कर हम शनि देव के सम्मुख पहुंचते हैं। सामने भगवान शनि देव विराजमान हैं, जिनके बाएं तरफ पवन पुत्र हनुमान अपना आसन जमाए हैं। भगवान शनि देव के दर्शन, पूजन और तैलाभिषेक कर के बाईं ओर स्थित हनुमान जी के दर्शन करते हैं। परिक्रमा मार्ग में प्रथम आपको शीतला माता, संतोषी माता एवं वैष्णो माता के दर्शन होंगे। इसके ठीक सामने शनि न्यायालय है, जहां भक्त एकांत में बैठकर ध्यान करते हैं। क्रमशः आगे बढ़ते हुए आप गणेश मंदिर पहुंचेंगे, जहां क्रमशः लक्ष्मी नारायण, भगवान गणेश, उमा महेश्वर, काल भैरव, माता सरस्वती, साईनाथ, नौ दुर्गा एवं भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति स्थापित है। गणेश मंदिर के बाहर दाईं ओर पीपल का विशाल वृक्ष है, जिसके नीचे भक्त दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना करते हैं। बाईं ओर मां भद्रकाली की दिव्य प्रतिमा स्थापित है,
इसके सम्मुख मां भद्रकाली जी के चरण चिन्ह अंकित हैं। भक्त यहां शीश झुकाकर मां की वंदना करते हैं। मां भद्रकाली के सामने ही अमरनाथ गुफा है, जहां भगवान आशुतोष शिवलिंग के रूप में अपनी भव्यता के साथ अपने परिवार सहित विराजमान हैं, जिनका दर्शन पूजन कर मन को शांति मिलती है। ये अमरनाथ गुफा एक छोटे से पहाड़नुमा मंदिर में बनाई गई है। इस पहाड़ के ऊपरी शिखर पर भोलेनाथ ध्यान अवस्था में विराजमान हैं, जिसके ऊपर अविरल गंगा की धवल धार की तरह फव्वारे का जल गिरता है। रात्रि के विद्युतीय प्रकाश में ये जलधारा एक अलौकिक दृश्य उत्पन्न करती है। पेड़ पौधों से घिरे इस सुरम्य वातावरण का दृश्य अत्यंत ही मनमोहक होता है। प्रांगण में लगे बेंच पर भक्त लोग बैठकर इस दृश्य का अवलोकन करते हुए सुख का अनुभव एवं आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। जय शनिदेव।